हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है? मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 2021 के। मैंने लास्ट क्लास में आपको जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए थे, तो आज की क्लास में मैं फरवरी 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आज मैं पीपीटी वाली क्लास लेकर आया हूँ, क्योंकि आज मैं काफ़ी लो फील कर रहा था इस वजह से। तो कल की जो क्लास होगी, जिसमें मैं मार्च के करंट अफेयर डिस्कस करूंगा, कल मैं बोर्ड पर ही आके आपके सामने डिस्कस करूंगा करंट अफेयर को। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप सभी तक प्रॉपरली पहुंच रही होगी। और जो भी हमारे साथ न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, उन सभी को बता देता हूँ, आप अनअकैडमी प्लस पे मेरे जीएस जीके के फुल कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में स्टैटिक जीके का कोर्स अगले महीने आने वाला है, और करंट अफेयर का अगर आप फुल कोर्स करना चाहते हो तो आप उसी के लिए भी अनअकैडमी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस टाइम पर कई सारे कॉम्बो ऑफर्स चल रहे हैं, इन सभी को आप डिस्काउंट कोड वरुण 777 की मदद से अवेल कर सकते हो। इस कोड को लगाने पर ये ऑफर्स तो आपको अवेल होंगे ही होंगे, साथ में आपको 10% का डिस्काउंट भी अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन पर अवेल हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन है आज का, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने इस साल की शुरुआत में अपने मिड डे मील वर्कर्स का पे जो है इसको हाइक कर दिया है? अगर हिंदी में बोलें तो आप इसको ये भी बोल सकते हो, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने राज्य के अंदर स्कूलों में, जो सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूलों में बच्चों के लिए जो मिड डे मील बनाते हैं, जो खाना बनाते हैं, उनके लिए उनका पे बढ़ा दिया है। ये है झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार, और यहाँ पे गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में मिड डे मील वर्कर्स को अभी तक 1500 रुपये पर मंथ दिया जाता था, लेकिन अब इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है और अब 2000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा मिड डे मील वर्कर्स को। मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है? संजीव, अरुण, सचिन, मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूँ, थैंक यू। ओके, अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट हाउ मैनी पीपल हैज बिकेम बेनिफिशरी ऑफ टैप वाटर कनेक्शंस अंडर जल जीवन मिशन। आपसे कह रहा है इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार के आंकड़े के हिसाब से जल जीवन मिशन के तहत पूरे भारत में ऐसे कितनी फैमिलीज हैं जिनके घरों में टैप वाटर कनेक्शंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। तो भारत सरकार के हिसाब से करीब करीब ये 3 करोड़ का आंकड़ा है पूरे भारत भर में जिनको टैप वाटर कनेक्शंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा चुकी है। एक्चुअली अगर इस आंकड़े की बात करें तो यह आंकड़ा है 3 करोड़ 53 लाख का आंकड़ा है। ओके, और इसके बेनिफिशरी इतने लोग अभी तक हो चुके हैं, लेकिन यह आंकड़ा ध्यान रखिएगा फरवरी महीने का है। अभी जब इसका नया आंकड़ा 6 महीने बाद लॉन्च होगा, तब मैं आपको उसके लिए भी अपडेट कर दूंगा। जल जीवन मिशन के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन से साल तक का टारगेट लेकर चला जा रहा है? तो भारत सरकार 2024 तक का टारगेट लेकर चल रही है जल जीवन मिशन के तहत। इसके तहत भारत सरकार का टारगेट है कि 2024 तक भारत में कोई भी ऐसा घर नहीं होना चाहिए जहां पर टैप वाटर कनेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड ना हो। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि जल जीवन मिशन को कौन से साल में लॉन्च किया गया था? इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। ये 5 साल का प्लान भारत सरकार लेकर चल रही है 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस साल की शुरुआत में ये कौन सा राज्य है जहां पर डुबरी फुलवारी ब्रिज का उद्घाटन किया गया? डुबरी फुलवारी ब्रिज का उद्घाटन किया गया इस साल की शुरुआत में आसाम में। ये जो डुबरी फुलवारी ब्रिज है, ये आसाम से लेकर मेघालय तक सीधे कनेक्ट करेगी। ये ब्रिज कितना लंबा होगा? 23 किलोमीटर लंबा ब्रिज होगा। मतलब आप समझ रहे हो, अगर ये ब्रिज जब बन के तैयार होगा तो ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज होगा। ये जो आपको बीच वाला एरिया दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ब्रह्मपुत्र नदी से होते हुए सीधे आसाम से मेघालय को कनेक्ट करेगा ब्रिज, जिसका नाम है डुबरी फुलवारी ब्रिज। शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ये किससे रिलेटेड है जिसका नाम है महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव? ये रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन ऑफ टू ब्रिज। ये दो ब्रिज के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इनिशिएटिव का नाम है, जिसका नाम है महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव।
अब इसके तहत ध्यान रखिए, दो ब्रिज बनाए जा रहे हैं और दोनों की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आसाम के अंदर करी गई है। जो पहला ब्रिज है ये तो आपने देख लिया, इसका नाम है डुबरी फुलवारी ब्रिज। दूसरे ब्रिज का नाम क्या है? इसका नाम है मजुली ब्रिज। क्या नाम है? मजुली ब्रिज। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ये कौन सा राज्य है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दो ब्रिज की स्थापना करी गई है अभी हाल ही में? तो ये आसाम राज्य है जहां पर स्थापना करी गई है दो ब्रिज की, पहला मजुली ब्रिज और दूसरा डुबरी फुलवारी ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा मोटर ग्रुप है जिसके द्वारा इस साल की शुरुआत में एक रोबोट लॉन्च किया गया है और इस रोबोट का नाम है टाइगर X1। टाइगर X1 नाम का रोबोट लॉन्च किया गया है हुंडई कंपनी के द्वारा। ये हुंडई कंपनी वही कार वाली कंपनी है। यहाँ पर जो ये रोबोट लॉन्च किया गया है जो आप पिक्चर में देख पा रहे हो, इसका नाम है टाइगर X1। यहाँ पर टाइगर का मतलब है T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, I फॉर इंटेलिजेंट, G फॉर ग्राउंड, X फॉर E फॉर एक्सक्लूजन और R फॉर रोबोट। इस रोबोट की खास बात पता है क्या है? ये जंगलों में रिसर्च पर्पस से यूज किया जाएगा। इस रोबोट की खास बात यह है कि यह पानी में भी चल सकता है, लैंड में भी चल सकता है और इवन घने जंगलों में ये पेड़ पे भी चढ़ सकता है रोबोट। तो आप देखते हो वाइल्ड लाइफ को कवर करने के लिए कई सारे रोबोट्स की हम लोग मदद लेते हैं। उनमें से अभी तक का बेस्ट रोबोट लॉन्च किया गया है हुंडई के द्वारा, जिसका नाम है टाइगर X1। हुंडई कहाँ की कंपनी है? ये साउथ कोरियन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है सियोल। इसकी स्थापना करी गई थी 1967 में और हुंडई के इस टाइम पे सीईओ हैं चुंग इव सुन। क्या नाम है? आप ऐसे लिखोगे, चुंग EUI उई सुन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी हाल ही में कौन सा अमेंडमेंट कर दिया गया है? यूनियन कैबिनेट के द्वारा कौन सा अमेंडमेंट किया गया है जिवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट 2015 के लिए? ये जो एक्ट है ये किससे एसोसिएटेड है? ये एक्ट एसोसिएटेड है, ध्यान रखना है आपको, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड। अब देखो इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो ये है कि भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में जिवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट 2015 को संशोधित किया गया है। और इसका मेन मोटो पता है क्या है? ये पहले भी बच्चों की प्रोटेक्शन से रिलेटेड था। अब इसके तहत एक नया कानून लाया गया है भारत सरकार के द्वारा कि हर जिले के अंदर बच्चों की सिक्योरिटी और उनके वेलफेयर की जिम्मेदारी जिले के DM की होगी। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उसकी कोर जिम्मेदारी होगी कि जिले के अंदर हर एक बच्चा महफूज रहे और साथ में उसको प्रॉपरली खाना मिले, कोई भी बच्चा भूखा ना रहे और उसे एजुकेशन मिले। ओके, अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च किया गया है? पेयजल सर्वेक्षण को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया है। आप समझिए पेयजल सर्वेक्षण है क्या? इसके तहत पूरे भारत में जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर सर्वे किया जाएगा और सर्वे के तहत इस बात को डाइवल्ज किया जाएगा क्या सभी को वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप लोग न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे या न्यूज़ चैनल्स में देखते होंगे कि दिल्ली जैसे शहरों में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर वाटर टैंकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है। मतलब कहने का, जहां पर ग्राउंड वाटर लेवल बिल्कुल जीरो हो चला है। अब अगर ग्राउंड वाटर लेवल जीरो है तो जाहिर सी बात है वाटर टैंकर की सर्विस सरकार के द्वारा यहाँ पर दी जाती है। मतलब दिल्ली में बहुत सारे ऐसी जगह हैं या चेन्नई में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर सरकार के द्वारा डेली पानी का टैंकर भेजा जाता है और एक एक टैंकर एक एक मोहल्ले को पानी की सप्लाई करता है सुबह और शाम। तो कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर कंप्लेन मिली है कि वाटर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब, लाइक मान लीजिए कि कोई रुआब वाला आदमी है, मान लीजिए मोहल्ले में, अब उसके घर में शादी है तो पता लगा शाम के टाइम का टैंकर उसने अपने घर पर ही उतरवा लिया और उस दिन पूरे मोहल्ले को पानी ही नहीं मिला। तो इस तरीके की जितनी भी दिक्कतें हैं उन सारी दिक्कतों को डाइवर्ज करने के लिए और उनके सॉल्यूशन के लिए पेयजल सर्वेक्षण नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। यह मंत्रालय किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास है यह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में 2021 की ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट को ज्वाइन किया? देखिए ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट है क्या? हर साल इसमें ईरान और रशिया दोनों कंट्री आपस में क्या करते हैं? नेवल एक्सरसाइज करते हैं। तो इस बार 2021 की
ईरान और रशिया की नेवल एक्सरसाइज को ज्वाइन किया भारत ने, मतलब भारत इस बार गेस्ट रहा ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट में। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इस साल 2021 के ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट में इसका वेन्यू क्या था? इसका वेन्यू था नॉर्थ इंडियन ओशियन। इस बार इसको हिंद महासागर में कंडक्ट किया गया। ईरान की कैपिटल है तेहरान और रशिया की कैपिटल है मॉस्को। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसके द्वारा इस साल की शुरुआत में संदेश नाम का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह। तो व्हाट्सएप की तरह ही एक नया इंटरफेस लॉन्च किया गया है, संदेश इसका नाम है, इसको भारत सरकार के द्वारा। और भारत में संदेश नाम का ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म किसने बनाया है? ये एनआईसी के द्वारा बनाया गया है। एनआईसी का मतलब है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ये वही एनआईसी है जिसकी वेबसाइट आप यूज करते हो, ssc.nic.in। ये वही एनआईसी है जिसके द्वारा पूरे भारत में जितने भी बोर्ड के रिजल्ट होते हैं 10वीं और 12वीं के, उनको लॉन्च किया जाता है। तो एनआईसी का मतलब है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। इसके द्वारा संदेश नाम का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। एनआईसी की स्थापना 1976 में करी गई थी। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली और एनआईसी के इस टाइम पर डायरेक्टर जनरल हैं नीता वर्मा। क्या नाम है? नीता वर्मा। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा देश है जिसके द्वारा इस साल की शुरुआत में एंटी रेडिकलिज्म बिल को लॉन्च किया गया है? एंटी रेडिकलिज्म बिल 2021 को लॉन्च किया गया फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की सरकार के द्वारा। अब समझिए ये बिल है किसके रिगार्डिंग। फ्रांस सरकार ने ये जो बिल लॉन्च किया है जिसका नाम है एंटी रेडिकलिज्म बिल, इस बिल का मेन मोटो ये है कि फ्रांस सरकार फ्रांस के अंदर जितनी भी मॉस्क्यू हैं, मतलब मस्जिदें हैं, उनको मॉनिटर करेंगे। मतलब कहने का, फ्रांस सरकार इस चीज को देखेंगे कि वहां की जो मॉस्क्यूज हैं वहां पर किसी और तरीके की तालीम तो नहीं दी जा रही है, सिर्फ शिक्षा से ही जुड़ी बातें करी जाएं। और दूसरा इनका मेन कंसर्न ये है कि इस्लाम के अंदर जो मल्टीपल मैरिजेस का प्रावधान है, जो कई सारी शादियों का प्रावधान है, उसको फ्रांस में बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। मतलब कहने का, इस बिल के तहत एक नया कानून पारित किया गया कि कोई भी मुस्लिम अगर फ्रांस में रह रहे हैं तो वो दूसरी मैरिज नहीं कर सकते हैं। वो मल्टीपल मैरिजेस के प्रावधान को खारिज करता है फ्रांस का एंटी रेडिकलिज्म बिल। फ्रांस में किसकी सरकार है? इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है, यूएस में जे बिडेन की सरकार है और रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा आईआईटी है जिसके द्वारा इस साल की शुरुआत में पाइमो लॉन्च करी गई? यहां पर पाइमो का मतलब समझ रहे हो, इसका मेन मतलब है पाई बीम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। अब ये पाई बीम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है क्या? ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है या फिर एक ऐसी साइकिल है जिसको आप इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हो। एक बार चार्ज करने में ये करीब करीब 50 किलोमीटर का ट्रैवल आपको करा सकती है। और इसकी खास बात यह है कि इसकी हाईएस्ट स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। आप इसको 25 किलोमीटर पर आवर तक भगा सकते हो, केवल 5 मिनट में ये चार्ज हो जाती है। ये आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाई गई है पाइमो। अगला क्वेश्चन है, इस बार इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का सॉरी इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी जो है इसका एक एडिशन लॉन्च किया गया है 2021 में। यह कौन सा एडिशन लॉन्च किया गया है? तो इस बार 2021 में इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। अब समझिए, इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी होती क्या है? ऐसे लोग जो कि बोल के बात नहीं कर सकते, या फिर आप बोल सकते हो स्पीकिंग डिसेबल्ड है, तो उनके लिए इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी लॉन्च करी जाती है, जो कि आपको साइंस के बारे में बताती है। मतलब इन साइन का यूज करके हाथों के जरिए आप अपनी बात दूसरों को समझा सकते हो। ओके, तो इस बार इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया। जो पहला संस्करण इसका जारी किया गया था, इसमें 3,000 साइन डिस्क्राइब किए गए थे, लेकिन इस बार जो तीसरा संस्करण जारी किया गया है, इसमें 10,000 साइन डिस्क्राइब किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय हैं जिनको अभी हाल ही में साल की शुरुआत में यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रीति सिन्हा। प्रीति सिन्हा 2021 की शुरुआत में यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट करी गई हैं।
एंड यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड की बात करें, इसकी स्थापना 1966 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और इसके प्रेसिडेंट इस टाइम पे कौन है? इनका नाम है जुदीत कार्ल। क्या नाम है? जुदीत कार्ल, KARL। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है विच इज गोइंग टू एस्टैब्लिश अ मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन तमिलनाडु। मतलब हिंदी में बोले तो आप ये बोल सकते हो, ये कौन सी कंपनी है जो कि बहुत जल्द तमिलनाडु में मोबाइल फोन बनाने की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने वाली है? ये है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने फैसला लिया है कि ये तमिलनाडु में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए तमिलनाडु में कितना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? ये 4684 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। और साथ में टाटा का कहना है कि इस प्लांट के जरिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? 18,250 लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो करीब करीब 18,000 लोगों को नौकरी मिलेगी इस मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के जरिए। तमिलनाडु की बात करें तो अभी यहाँ पर हाल ही में नई सरकार आई है और यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं MK स्टालिन। तमिलनाडु में गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन है, साल 2020 के सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो इस साल की शुरुआत में ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है S. थेदोर भास्करन। क्या नाम है? S. थेदोर भास्करन। इनको लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड सेंचुरी 2020 से सम्मानित किया गया है। अब ये हैं क्या, या फिर इनका ऐसा क्या काम इन्होंने किया है जिसकी वजह से इनको सम्मानित किया गया है? ये बेसिकली एक राइटर हैं एंड नेचुरलिस्ट भी हैं। नेचुरलिस्ट का मतलब समझते हो, जो पर्यावरण बचाने का काम करते हैं उनको नेचुरलिस्ट बोला जाता है। तो जैसे स्ट्रे कैटल्स हो गए, उनको पालना, ये भी ये काम करते हैं। साथ में पर्यावरण को बचाने के लिए फॉरेस्ट वगैरह और पशुपालन, और इतना ही नहीं प्लांटेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें ये पिछले 2 डिकेड से कर रहे हैं, मतलब 20 सालों से कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको 2020 का सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, थेदोर भास्करन कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। हु हैज लॉन्च्ड ई छावनी पोर्टल? इस साल की शुरुआत में ई छावनी पोर्टल इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ई छावनी पोर्टल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा जारी किया गया। अब समझिए, ई छावनी पोर्टल है क्या? भारत की में ऐसी जगह जहां पर आर्मी लगी हुई है, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे एरियाज जो कि रिजर्व एरिया डिक्लेयर्ड हैं। जैसे कि आप मान लीजिए अभी नागालैंड में त्योंसांग डिस्ट्रिक्ट है, त्योंसांग में अभी आप्सपा लगा हुआ है। तो वहां पर क्या है, ऐसी जगहों पर अगर पब्लिक को कोई भी प्रॉब्लम है, पब्लिक को किसी भी चीज की दिक्कत पड़ती है, तो पब्लिक वहां की ई छावनी पोर्टल में रजिस्टर करके अपनी कंप्लेंट डाल सकती है और सीधे इंडियन आर्मी के द्वारा उसकी सुनवाई करी जाएगी। इंडियन आर्मी चीफ कौन है? ये है मनोज मुकुंद नरावने। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में WTO, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पहली बार किसी महिला को हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है। WTO की पहली महिला हेड अभी हाल ही में बनाई गई है इस साल की शुरुआत में। इनका नाम है गोजी ओकोंजो इवेला। क्या नाम है? गोजी ओकोंजो इवेला। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं नाइजीरिया से। ये नाइजीरियन इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। अब यहाँ पर अगर WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल का उद्घाटन कौन से राज्य में अभी हाल ही में किया गया? महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल का उद्घाटन अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया गया। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया, तो आपका आंसर होगा इसका उद्घाटन बहराइच में किया गया। कहाँ पर? बहराइच में। महाराजा सुहेलदेव थे कौन? महाराजा सुहेलदेव भारत के एक ऐसे राजा थे जब 1001 से लेकर 1027 के बीच में महमूद गजनबी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। तो उनमें से महमूद गजनबी का एक कमांडर था जिसका नाम था सैयद सलार मसूद। क्या नाम था? सैयद सलार मसूद। ये मसूद उस टाइम पर उत्तर प्रदेश के कई सारी संस्कृति को भ्रष्ट कर रहा था और साथ में उत्तर प्रदेश के कई सारे मंदिरों को तहस नहस कर रहा था। उस टाइम पर महाराजा सुहेलदेव के द्वारा सैयद सलार मसूद को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो महाराजा सुहेलदेव को
प्रोटेक्टिव किंग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनके ऊपर 2020 के आखिर में एक किताब भी लॉन्च करी गई थी, और अभी हाल ही में इनका जो मेमोरियल है इसकी स्थापना भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहराइच में करी गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब न्यूज में थी, इस किताब का नाम है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? ये किताब लिखी गई है किसके द्वारा? दलाई लामा के द्वारा। इस टाइम पर दलाई लामा कौन है? इस टाइम पर 14वें दलाई लामा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछता है बार बार कि करंट टाइम पे कौन सा दलाई लामा है, तो ध्यान रखिएगा करंट टाइम पे 14वें दलाई लामा है। इस किताब को एडिट किया गया है रेणुका सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? रेणुका सिंह। ये जो किताब दलाई लामा ने लिखी है और लॉन्च करी गई है अभी हाल ही में, जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये किताब किसके बारे में है? इसमें दलाई लामा के द्वारा लिखे गए 130 कोट शामिल है। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई नाम का मिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया? तो हर घर पानी हर घर सफाई नाम का मिशन पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, अब देखिए ये जो हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन है, ये हर घर जल के मिशन के तहत है, या फिर आप बोल सकते हो जल जीवन मिशन के तहत ही इसको लॉन्च किया गया है। इसका मेन मोटो यह है कि पंजाब सरकार अगले साल 2022 तक पंजाब के अंदर हर एक घर में टैप वाटर कनेक्शन की फैसिलिटी देना चाहती है। पंजाब के अंदर कितनी फैमिलीज इस स्कीम की बेनिफिशियरी हैं? 1.5 लाख फैमिलीज इसकी बेनिफिशियरी होंगी, मतलब 1.5 लाख फैमिलीज को इसका फायदा मिलेगा। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, गवर्नर है वीपी बदनोर। हरियाणा में खट्टर सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर सत्यदेव नारायण आर्य। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर गणेशी लाल। और उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की सरकार है और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में साल की शुरुआत में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में किसको री इलेक्ट किया गया है? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में इस बार री इलेक्ट किए गए हैं अजय सिंह। अजय सिंह पहले भी इसके प्रेसिडेंट थे और एक बार फिर से इलेक्ट किए गए हैं इसके प्रेसिडेंट के रूप में। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1949 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है हरियाणा का गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में साल की शुरुआत में अमेजॉन कंपनी के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? अमेजॉन कंपनी के नए सीईओ बने हैं एंडी जैसी। क्या नाम है इनका? एंडी जैसी। एंडी जैसी पहले अमेजॉन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अमेजॉन वेब हुआ करते थे, लेकिन अभी हाल ही में जेफ बेजोस के द्वारा इनको सीईओ की पोस्ट में अपॉइंट किया गया है। और जेफ बेजोस ने कौन सी पोस्ट ले ली है? जेफ बेजोस ऑफ अमेजॉन के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में कार्यरत है। अमेजॉन कंपनी की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में साल की शुरुआत में भारत का यह कौन सा शहर है जहां पर 2021 की चीफ ऑफ एयर स्टाफ कंक्लेव का आयोजन किया गया? चीफ ऑफ एयर स्टाफ कंक्लेव का आयोजन किया गया बेंगलोर में। कहां पर? बेंगलोर में। ये जो एक कंक्लेव आयोजित करी गई, इसका मेन मोटो क्या था? इसका मेन मोटो था दुनिया भर के जो एयर फोर्सेस हैं उन सभी के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना। पूरी दुनिया के 75 कंट्रीज के एयरफोर्स चीफ ने यहाँ पर हिस्सा लिया, और भारत के एयरफोर्स चीफ कौन है? ये है राकेश सिंह भदौरिया। कौन है? राकेश सिंह भदौरिया। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड कैंसर डे ऑन विस डेट। विश्व कैंसर दिवस या कर्क दिवस हम लोग कौन से दिन मनाते हैं? विश्व कर्क दिवस 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, और इस बार की इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस भी 4 फरवरी को ही मनाया गया, और इसकी थीम थी 2021 की अ पाथवे टू द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा वर्ल्ड है जिसको ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ल्ड ऑफ 2020 डिक्लेयर किया गया है? या फिर आप आम भाषा में ये भी बोल सकते हो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा हिंदी वर्ल्ड ऑफ 2020 किसको डिक्लेयर किया गया है? तो 2020 का पूरे साल का बेस्ट हिंदी वर्ल्ड रहा आत्मनिर्भरता।
क्या रहा आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा देश है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड पावर प्लांट बनाएगा। यह कंट्री है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के द्वारा इस साल की शुरुआत में अनाउंस किया गया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड पावर प्लांट बनाएंगे। विंड पावर प्लांट को हिंदी में बोलते हैं पवन चक्की। क्या बोलते हैं? पवन चक्की। पवन चक्की आप लोग बचपन से एनसीईआरटी में भी पढ़ते आ रहे होंगे। इसका मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि हवा के जरिए, ये पंखा जब घूमता है तो इससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ पर ऑफशोर का मतलब ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड पावर प्लांट साउथ कोरिया बनाएगा। इसका मतलब है समुद्र के किनारे पर, जो समुद्र का किनारा है, जो सी शोर है, उस सी शोर के किनारे पर विंड पावर प्लांट की स्थापना करी जाएगी, जो कि सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा। साउथ कोरिया का कहना है इस पावर प्लांट को बनाने में 2030 तक का टाइम लगेगा, और इसके लिए साउथ कोरिया कितना पैसा लगाएगा? 43.2 बिलियन डॉलर लगाएगा। कितना? करीब करीब आप बोल सकते हो 43 बिलियन डॉलर की धनराशि खर्च करेगा साउथ कोरिया। ये पावर प्लांट जब बन के तैयार होगा तो ये 1.12 गीगावाट का होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आसाम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इस साल की शुरुआत में असोम माला प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। असोम माला प्रोग्राम को आसाम के, ध्यान रखिएगा, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया इस साल की शुरुआत में। अब ये जो असोम माला प्रोग्राम है, इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है आसाम के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। आसाम के अंदर एक एक कोने पर, एक एक चप्पे चप्पे पर रोड बनी होनी चाहिए। यह मेन मोटो है असोम माला प्रोग्राम का। आसाम में इस टाइम पे हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इस साल की शुरुआत में हम सभी को पता है ये तो कि ग्लेशियर कहाँ पर फटा था। ये ग्लेशियर बस्ट हुआ था उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये ग्लेशियर फटा था। लेकिन ये केवल 1% लोगों को ही पता होगा कि ये कौन से पावर प्रोजेक्ट में फटा था। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे उत्तराखंड के अंदर चमोली डिस्ट्रिक्ट, और चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है जिसमें ये ग्लेशियर फटा था इस बार। ठीक है, संजीत, पारस, अनुराग, किरण, सभी के आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, इस साल की शुरुआत में गूगल के द्वारा गूगल क्लाउड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? गूगल क्लाउड इंडिया के MD अपॉइंट किए गए हैं विक्रम सिंह बेदी। क्या नाम है इनका? विक्रम सिंह बेदी। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी, और गूगल ने गूगल क्लाउड की स्थापना साल 2008 में करी थी। गूगल के सीईओ कौन है? ये हैं सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है, नेवल डिफेंस एग्जीबिशन, जिसको इन शॉर्ट नेवडेक्स बोला जाता है, और साथ में इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन जिसको आईडेक्स बोला जाता है, दोनों का आयोजन कौन से देश में किया गया? तो नेवडेक्स और आईडेक्स 2021 दोनों का आयोजन किया गया कहाँ पर? यूनाइटेड अरब अमीरात में। अब समझिए, ये नेवडेक्स और आईडेक्स था क्या? ये दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज के जो नेवल इक्विपमेंट है, उनकी प्रदर्शनी एक तरीके से लगाई गई थी। प्रदर्शनी का मतलब समझते हैं, मतलब दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो सब अपने नेवल इक्विपमेंट का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। अब ये एक तरीके से रिगार्डिंग टू बिजनेस है। यहाँ पर मतलब क्या होता है, जैसे कि वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज अपने अपने नेवल इक्विपमेंट लेकर आते हैं, इसमें कई सारे कंट्रीज को दूसरे कंट्री के इक्विपमेंट पसंद आ जाते हैं, तो वो उसी टाइम पर उसका ऑर्डर भी दे देते हैं। तो ये बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए नेबडेक्स और आईडेक्स को लॉन्च किया गया यूएई में। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, इस साल का जो नेबडेक्स और आईडेक्स है, इसको कौन से कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया? इसको यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा होस्ट किया गया। अगला क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है, आपसे कह रहा है नेवडेक्स और आईडेक्स 2021 में भारत की तरफ से कौन से INS ने हिस्सा लिया, मतलब कौन से इंडियन नेवल शिप ने हिस्सा लिया। इस बार भारत की तरफ से INS प्रलय ने हिस्सा लिया इसमें। अब समझिए, प्रलय ही क्यों गया था? प्रलय से बड़े बड़े भी INS है हमारे पास। प्रलय इसलिए गया था कि INS प्रलय की खास बात है, ये इंडिजिनियसली मेड है,
मतलब पूरे तरीके से यह भारत में ही निर्मित है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। ओके, और दुनिया भर के सामने इसको लाने का मेन मोटो यह था कि आप ये देख सकते हो कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कम से कम रेट में, सस्ते दामों में आप बेस्ट इक्विपमेंट्स बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इस साल 2021 की इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकथन को एड्रेस किया गया किसके द्वारा? तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकथन को एड्रेस किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका मेन मोटो यह था कि किस तरीके से जो पैकेजिंग वेस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए। पैकेजिंग वेस्ट का आप मतलब समझते हो क्या? आप इमेजिन कर सकते हो पूरे भारत में डेली कितने दूध के पैकेट बिक जाते हैं, और कितने दूध के पैकेट बिकते होंगे, और उसके बाद कितने डेली वो वही प्लास्टिक के पैकेट पैकेजिंग में चले जाते हैं, या फिर पूरे भारत में या फिर पूरी दुनिया में कितने बिस्किट के पैकेट डेली बिकते होंगे, और वो बिस्किट के पैकेट इधर उधर कूड़े में पड़े रहते हैं और हवा के जरिए उड़ते रहते हैं। तो इस तरीके का जो पैकेजिंग वेस्ट है इसको रिसाइकिल करने के लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकथन का आयोजन किया गया। ओके, आज मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही है, इस वजह से मैं यहीं पर विराम दूंगा आज के सेशन को। कल रात में 9 बजे फिर से सेशन है, कल मैं बोर्ड पर आऊंगा, एनी हो कैसे भी हो, कल मैं पेन किलर वगैरह सब ले लूंगा। तो रात में 9 बजे कल मेरी और आपकी मुलाकात होगी बोर्ड पे, जैसे मैंने लास्ट क्लास ली थी उसी तरीके से। तो कल 1 घंटा या 1.25 घंटा तक क्लास चलेगी, और कल मैं मार्च के करंट अफेयर आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज की बात मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है? माफ़ी चाहता हूँ कि आज मैं आधे घंटे ही आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, आइसोलेटेड रहिए। भले ही लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन मैं अपनी आप बीती आपको बता रहा हूँ कि मुझे हल्का सा कोविड टच करके गया है, और उसकी वजह से अभी तक मैं उबर नहीं पा रहा हूँ, ये कंडीशन है। तो इसीलिए बोलता हूँ, अपना और अपनों दोनों का ख्याल रखिए। भले ही लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन आइसोलेटेड रहिए, बाहर कम से कम जाइए, और बाहर की चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी मत करिए। तो अभी की बात यहीं तक, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। डेली के करंट अफेयर आप मेरे चैनल पे फॉलो कर सकते हो, जिसका नाम है वरुण अवस्थी करंट अफेयर। मेरे दो चैनल है, एक तो चैनल है वरुण अवस्थी, दूसरा है वरुण अवस्थी करंट अफेयर। आप दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डेली सुबह 4 बजे मेरे वहां पर करंट अफेयर आते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए।